गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए वेडिंग सीरीज, जिसमें मैंने कंपाइल करी है बहुत सारी वेडिंग हैक्स और कुछ ट्रिक्स जो आप यूज करके अपने एक्सपीरियंस को सीमलेस और एंजॉयबल बना सकते हो। तो ब्राइट जिला वाइब्स नहीं, ब्राइट चिला वाइब्स को वेलकम करो। तो लाइक करो, सेव करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपके लिए धमाकेदार सीरीज बहुत यूजफुल होने वाली है। तो आज की वेडिंग सीरीज में मैं बात करने वाली हूँ कि कैसे आप अपनी मेकअप आर्टिस्ट को चूज करें और आपको क्या क्या उसके लिए ध्यान में रखने की जरूरत है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप अच्छे से अपनी रिसर्च करिए। इंस्टाग्राम पेजेस, फेसबुक पेजेस, इवन अपने फ्रेंड्स और फैमिली से आप रिव्यूज ले सकते हैं। तो उसके बाद आप कुछ ऑप्शंस को शॉर्टलिस्ट करिए और फिर वहां जाकर एक बार ट्रायल लीजिए। उस मेकअप आर्टिस्ट को अच्छे से समझाइए कि व्हाट डू यू वांट, व्हिच काइंड ऑफ लुक डू यू वांट, व्हिच काइंड ऑफ हेयर स्टाइल यू प्लानिंग, व्हाट्स द कलर ऑफ योर आउटफिट गोना बी। और उसके बाद जो वो ट्रायल देता है उसके ऊपर जज करे कि डू यू वांट टू गो फॉर दिस और नॉट। इफ यू आर सेटिस्फाइड देन गो अहेड एंड बुक दैट मेकअप आर्टिस्ट। तो सेकेंड पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आप अपने मेकअप आर्टिस्ट से बात करो कि वो पैकेज में क्या क्या इंक्लूड कर रहे हैं। मतलब आपका प्री ब्राइडल होगा, मेकअप होगा, हेयर स्टाइल होगी, उसके अलावा वो क्या बेनिफिट्स दे रहे हैं, क्या आपके फैमिली मेम्बर्स जैसे कि आपकी मॉम या आपकी सिस्टर भी इंक्लूडेड हैं, या फिर उनको क्या नॉमिनल चार्जेस पे वो मेकअप कर देंगे। तो ये सब बातें आप एक बार पूछ लेना। अनदर पॉइंट टू कीप इन माइंड इज कि आप अपने हेयर स्टाइल के बारे में एकदम क्लियर रहो। आप एक बार डिस्कस कर लो कि आपका लुक क्या होने वाला है, आउटफिट क्या होने वाला है, और उस हिसाब से कौन सी हेयर स्टाइल ज़्यादा अच्छी रहेगी। जो हेयर ज्वेलरी आप प्रेफर कर रहे हो, मांग टीका होगा, माथा पट्टी होगी, वॉट एवर यू वॉन्ट। तो आप अपनी हेयर स्टाइल एक बार चूज करो, इंटरनेट से कुछ इमेजेस देखो फॉर योर रेफरेंस एंड ऑल, और उसको अपने मेकअप आर्टिस्ट के साथ शेयर करो। तो देयर शुड बी क्लैरिटी। और हेयर स्टाइल के साथ में जो भी हेयर एक्सेसरीज होंगी अपार्ट फ्रॉम व्हाटएवर ज्वेलरी आर वेयरिंग, जैसे कि बन बना रहे हो तो उसमें कौन से फ्लावर्स आपकी प्रेफरेंस है, रोजेस, बेबी ब्रेड्स, व्हाटएवर यू वांट, तो बी क्लियर कि कौन ये लेकर आएगा। आई मीन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग देम, और द मेकअप आर्टिस्ट विल इंश्योर कि वो आ जाए उनके पास में। तो बी क्लियर अबाउट व्हाट यू नीड। अनदर पॉइंट टू कीप इन माइंड इज कि आपका पार्लर जो है वो आपके घर के पास में होना चाहिए। मतलब पास इन द सेंस कि जिसे आपको वहाँ पे फ्रीक्वेंटली जाना पड़ेगा, मोर सो इन द डेज दैट आर नियर टू योर डी डे, बिकॉज आपका प्री ब्राइडल उसमें कवर्ड होगा और आपका हेयर के लिए भी स्पा एंड ऑल इफ यू ऑप्टेड फॉर इट, तो आपको बार बार पार्लर जाना ही पड़ेगा। तो वो आप जा सकते हो कि नहीं, इंश्योर कर लेना, बहुत ज़्यादा दूर का पार्लर मत ले लेना, बिकॉज देन यू विल नॉट बी एबल टू गो फ्रीक्वेंटली और वो बहुत टाइम वेस्ट होगा। वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू कीप इन माइंड इज कि मेकअप आर्टिस्ट जो है वो प्री ब्राइडल रूटीन में बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, फेशियल, हेयर स्पा एंड ऑल, तो वो नए नए प्रोडक्ट्स आपके ऊपर ट्राई करते हैं। तो मेक श्योर कि आप एक स्मॉल पैच पे पहले ट्राई करें, लाइक मे बी योर हैंड और समवेयर। पूरे फेस पे एक बार से ट्राई मत करना अगर कोई नया प्रोडक्ट कर रहे हो, बिकॉज इट कैन हैव एलर्जिक रिएक्शंस टू योर स्किन। सो टेस्ट इट ऑन अ स्मॉल पैच बिफोर हैंड टू मेक श्योर यू डोंट हैव एनी एलर्जीज, एंड देन गो फॉर इट। द नेक्स्ट पॉइंट इज शेयर पिक्चर्स ऑफ योर मेकअप, योर हेयर स्टाइल एंड वट एवर ओवरऑल लुक दैट यू आर प्लानिंग। आप उनके साथ, आप इंटरनेट से, इंस्टाग्राम से इंस्पिरेशन ले सकते हो, आप वो पिक्चर्स सेव कर सकते हो, उनको अपने मेकअप आर्टिस्ट के साथ शेयर कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो कि आप क्या प्लान कर रहे हो, वट डू यू वॉन्ट, और मे बी मेकअप आर्टिस्ट कैन सजेस्ट सम चेंजेस टू यू। तो क्या करना कि एक अपने मोबाइल में एक अलग से फोल्डर बना के रखना, जैसे कि मैंने ही किया था, मैं बता देती हूँ। मैंने फोल्डर बनाया था मेकअप, और उसमें मैंने सारे मेकअप लुक्स रखे हुए थे, जैसे कि अगर किसी की आईज मुझे पसंद आ रही है तो मैंने वो सेव कर लिया उसमें, किसी का मेरे को मेकअप जो ड्यूई फिनिश या जो भी आपकी प्रेफरेंस हो, जो भी आपको मेकअप चाहिए वो आप उसमें सेव कर लो। और फिर आप अलग से फोल्डर बनाओ हेयर स्टाइल, जिसमें आपको जो भी हेयर स्टाइल्स आपकी अलग अलग फंक्शंस में जो भी आपको हेयर स्टाइल चाहिए वो आप उसमें डाल सकते हो। नेक्स्ट आप फोल्डर बना सकते हो आउटफिट्स का, जैसे कि हम लहंगा तो सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस से ही होगा, बट जो आप ब्लाउज का डिज़ाइन उसमें डालना चाहते हो, आप डबल दुपट्टे के साथ जा रहे हो या सिंगल के साथ जा रहे हो, कैसे आपके वो सर पे जो दुपट्टा आता है, अगर आपके अगर आप सर पे दुपट्टा लेने चाहते हो तो वो कैसे रहेगा, तो इन सब के लिए आप अलग अलग फोल्डर बनाकर फिर उसको अपने मेकअप आर्टिस्ट के साथ शेयर करो। उनको समझाओ कि दैट इज द विजन दैट यू हैव इन माइंड, और उनके इनपुट्स भी कंसिडर करो, बिकॉज दे आर मोर एक्सपीरियंस्ड। सो अनदर टिप इज दैट इफ यू आर नॉट सीइंग रिजल्ट्स इन योर प्री ब्राइडल आफ्टर वन और टू सिटिंग्स, देन यू शुड कन्वे दिस टू योर मेकअप आर्टिस्ट।
क्या होता है ना कि कभी कभी जैसे वो रिकमेंड करते हैं कि ये ब्रांड का बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसका फेशियल लीजिए आपके फेस पे बहुत ग्लो आएगा, बट वो आपके लिए वर्क नहीं करता। तो ऐसे केसेस में आप उनको कन्वे कर सकते हो कि ये मेरे लिए वर्क नहीं कर रहा है, आई वॉन्ट टू स्विच टू अ डिफरेंट ब्रांड, अ डिफरेंट प्रोडक्ट। तो आपका जो कम्युनिकेशन होगा अपने मेकअप आर्टिस्ट के साथ वो सीमलेस होना चाहिए। उनको अपना जो भी आपके इश्यूज आ रहे हैं, जो भी आपके अकॉर्डिंग नहीं जा रहा है, वो आप उनको अच्छे से कन्वे करें ताकि बाद में यू नो रिग्रेट नहीं रहे कुछ। अनदर प्रो टिप इज दैट डू नॉट गो फॉर अ हेयर कट 1 to 2 weeks बिफोर योर डी डे। क्या होता है ना, कभी कभी हम हेयर कट कराने जाते हैं लेकिन वो हमारे हिसाब से टर्न आउट नहीं होता, तो उस केस में आपका पूरा डी डे खराब हो जाएगा बिकॉज वो जो आपका फेस पे हेयर कट है वो सूट नहीं हो रहा है, वॉट एवर रीजन इसमें भी। सो इट इज बेटर टू गो फॉर हेयर कट लाइक 3 to 4 weeks बिफोर योर डी डे, सो दैट इफ इट डज नॉट गो अकॉर्डिंग टू योर प्लान यू कैन टोन इट डाउन। वन मोर पॉइंट टू नोट इज दैट अगर आपके वेडिंग में फेरों के बाद आप एक आउटफिट चेंज कर रहे हो तो आपके मेकअप आर्टिस्ट से आप बात कर सकते हो कि क्या वो उस टाइम अवेलेबल रह सकते हैं, क्योंकि इतनी सारी पिन्स अनाउन हो सकती है। अगर आपने हेड पर दुपट्टा लिया है तो आपको वो पिन रिमूव करनी होगी एंड देन पूरी ड्रेस चेंज करनी होगी, सो इट्स बेटर अगर वो मेकअप आर्टिस्ट वहाँ वेन्यू पे अवेलेबल हो तो आप उनसे बात करके क्लियर कर सकते हो। ऑल्सो अ बोनस टिप, मेक श्योर योर लहंगा हैज नाड़ा इन इट। यप, दिस हैज हैपेंड विथ मी। वहाँ पर बैठ के पार्लर वाली ने नाड़ा लगाया फटाफट। तो इन्श्योर दैट योर आउटफिट इज कम्प्लीटली रेडी। जो आपका ब्लाउज है वो आपको फिट हो रहा है, आपके लहंगे में नाड़ा है, आपके दोनों दुपट्टे हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आई मीन कभी होता है ना कि उसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी करी होती है उसमें कुछ इशू हो, कुछ निकल जाए, सो वो सब सॉर्टेड होना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर वीडियो इन द वेडिंग सीरीज। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।